युवाओं को खेलो इंडिया से जोड़ने के उद्देश्य से मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के विधायक पंडित श्रीकांत शर्मा मथुरा में स्पोर्ट्स की गतिविधियों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। कॉलेज और विद्यालयों में स्पोर्ट्स कैंप बनाने के लिए पंडित श्रीकांत शर्मा का विशेष जोर है। शनिवार को क्लेंसी कॉलेज के मैदान पर आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ किया और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान उन्होंने पौधारोपण भी किया। विधायक पंडित श्रीकांत शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार खेलो इंडिया के माध्यम से युवाओं को खेलों से जोड़ने का काम कर रही है। मथुरा में भी बहुत प्रतिभाशाली युवा हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे और वर्तमान में मथुरा के विधायक श्रीकांत शर्मा आज क्लेंसी के ग्राउंड पर हैं। यहाँ एक फुटबॉल का उन्होंने उद्घाटन भी किया है। सर, मॉर्निंग वॉक बहुत अच्छे लग रहे हैं आज सुबह सुबह क्लेंसी के ग्राउंड पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस सुबह की मॉर्निंग में? थैंक यू वेरी मच। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम है खेलो इंडिया जी, उस ड्रीम को साकार करने के लिए हम पूरे देश के जितने भी युवा हैं उनको इकट्ठा करना और पहले अपने देश में जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाएं हैं उनके लिए एक एटमॉस्फेयर बनाना और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को पदक तालिका में सबसे ऊपर लाना जी, तो उसके लिए बेसिक जो आवश्यकता है, जो ट्रेनिंग है, जो सुविधाएं हैं, उन पर प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ज़्यादा फोकस है। तो उसके लिए हम सब लोग प्रयास रहते हैं। अभी आने वाले समय में देखेंगे इस ग्राउंड को भी फुटबॉल के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं। यहाँ कुछ बैड एलिमेंट्स वगैरह आते थे उसके लिए इसकी फेंसिंग की है, बाउंड्री वॉल आप देख रहे हैं, अभी इसको और लेबलिंग का काम हो जाएगा। अभी बहुत अच्छा हमारे यहाँ यूथ है, टैलेंटेड बच्चे हैं, फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते हैं। तो आने वाले दिसंबर में यहाँ मथुरा में एक कुंभ, खेल कुंभ का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। यानी मानते कि अभी तक मथुरा खेलों से बहुत ज़्यादा दूर रहा, यानी कि जो स्पोर्ट्स में जो बच्चे मथुरा से निकलने चाहिए वो नहीं निकल पाए, तो क्या अभी तक सुविधाएं नहीं मिल पाई थी? वर्तमान में आपने स्पोर्ट्स के लिए क्या कुछ मथुरा के लोगों के लिए? पुरानी बातों में हम ज़्यादा जिक्र नहीं करना चाहते, अब हम क्या कर सकते हैं इस पर हम लोग चर्चा ज़्यादा करते हैं। तो हमने पिछले 5 साल में लगातार प्रयास किया है कि एजुकेशन के फील्ड में, स्पोर्ट्स के फील्ड में मथुरा में टैलेंट की कमी नहीं है जी। और इन बच्चों को अगर मौका दिया जाए तो ये बच्चे निश्चित रूप से स्पोर्ट्स में जो आने वाले समय में राष्ट्रीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिस्पर्धा है उसके लिए हम लोग एक एटमॉस्फेयर यहाँ तैयार कर रहे हैं। उसमें मुझे सब हमारे गवर्नमेंट के लोगों का, हमारे सब यहाँ ब्रिजवासियों का, सबका खूब ब्लेसिंग मिल रही है। आरोग्य प्लस मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आरोग्य प्लस में अब हर प्रकार के मरीजों का इलाज संभव। एक्सीडेंट, हेड इंजरी, चोट व स्पाइन सर्जरी, पैरालिसिस, लकवा, दौरे, बेहोशी, रीढ़ की हड्डी, हृदय रोगों का संपूर्ण इलाज, महिला व बच्चों का इलाज, श्वास व फेफड़ों के मरीजों का इलाज पूरी तरह संभव है। घुटने और कोल्हू के प्रत्यारोपण की सुविधा भी उपलब्ध है। अब मथुरा से मरीजों को बाहर जाने की नहीं है जरूरत। अत्यधिक आधुनिक सुविधाओं से युक्त आरोग्य प्लस हॉस्पिटल यहाँ बेहतरीन ICU, HDU, NICU, 3 मॉड्यूलर OT, 32 स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, बिसाइड एक्सरे और डेंटल क्लिनिक, बेहतरीन सुविधा उपलब्ध है। आरोग्य प्लस हॉस्पिटल में सीरियस और क्रिटिकल मरीज जैसे हेड इंजरी, स्ट्रोक, पैरालिसिस, एपिलेप्सी, ऑर्थोपेडिक इंजरी, एब्डोमिनल इंजरी, मेडिसिन के मरीजों का इलाज किया जाता है। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए सदैव तत्पर आरोग्य प्लस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जैन 84 मंदिर के समीप गोवर्धन चौराहा मथुरा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।